रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे तेरी औकात ही क्या है कमीने, 100 कुत्ते मरे होंगे ना तब जाके तू एक पैदा हुआ होगा। मैं तो उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैंने तेरे जैसे गधे को अपना बॉयफ्रेंड बनाया था, क्योंकि तू तो कुत्ता बनने लायक भी नहीं है। हाँ, तू खुद तो जैसे हुस्न परी है। अरे डायन है डायन, खून पीने वाली। जब तक मेरी गर्लफ्रेंड थी रोज तूने मेरा जीना हराम किया हुआ था। और क्या बोली, औकात? बेटा तेरी क्या औकात है, अभी तेरा सौदा करूँ ना कोई 1 रुपए में भी नहीं खरीदेगा तुझे। तूने मुझे 1 रुपए से कंपेयर किया? रुक कमीने, तेरी असली जगह तो मैं अब तुझे दिखाती हूँ। राधिका अपने पैरों से चप्पल निकाल ही रही होती है कि तभी अक्षत का दोस्त राघव आकर उसको वहाँ से ले जाता है, और वहीं राधिका की दोस्त प्रीति भी आकर उसको रोकते हुए बोलती है, पागल है क्या, क्यों बीच रोड पर तमाशा कर रही है, वो भी अपने एक्स के साथ। अरे वो अब तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्यों उसके मुंह लगती है। गलती उसकी है, अनजाने में धक्का लगा था, कमीने ने इतना बड़ा बवाल कर दिया और बोला कि मेरी कीमत 1 रुपए जितनी है इसकी। तो शांत हो जा मेरी माँ, और उसके कहने पे तू 1 रुपए में बिक गई। नहीं ना, अब मुंह ठीक कर और चल ऑफिस। प्रीति राधिका को शांत करके ऑफिस ले जाती है, तो दूसरी तरफ अक्षत गुस्से में भड़का हुआ अपने घर में आकर अपने दोस्त को बोलता है, तूने मुझे रोका ना होता ना तो आज उस चुड़ैल को उसकी असली औकात दिखाता। कसम से मुझे खुद पर अफसोस होता है कि ये मेरी एक्स है। वही तो, वो तेरी एक्स है, और एक्स को इतनी इम्पोर्टेंस कौन देता है बे साले। बीच रोड पे ऐसे लड़ रहे थे जैसे कोई पति पत्नी लड़ते हैं। पत्नी, माय फुट, उस डायन को तो कोई फ्री में अपनी पत्नी ना बनाए। लेकिन आज की लड़ाई के बाद मैंने सोच लिया है, उस चुड़ैल को अच्छा सबक सिखा कर रहूंगा। तू करने क्या वाला है। कुछ दिन यूं ही निकल जाते हैं। एक शाम राधिका अपने ऑफिस से आ रही होती है, तभी एक भिखारन उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोलती है, ए लड़की तू मेरे साथ चल, अब से तू मेरी अमानत है, मैंने अभी अभी तेरा सौदा किया है। ए पागल भिखारन, तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है ना, मैं क्या किसी के बाप की प्राइवेट प्रॉपर्टी नजर आती हूँ। जो मेरा सौदा कर लिया किसने किया ये बता, और कितने में किया। वो सब मैं नहीं बता सकती, बस मैंने एक इंसान के साथ पूरे 10 रुपए में तेरा सौदा किया है, और अब तू मेरे साथ फटे पुराने कपड़े पहनकर भीख मांगना। ए पागल दूर हट मुझसे, जिसने मेरा सौदा किया है उसको तो मैं बाद में देखूंगी, पहले तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। राधिका उस भिखारन को अच्छे से खरी खोटी सुनाकर भगा देती है, और अपने घर पर जाकर प्रीति को कॉल करके वहाँ बुला लेती है और उसको पूरी घटना बताती है, जिस पर प्रीति हंसते हुए बोलती है, ओ भाई तू क्या इतनी सस्ती है कि किसी ने तेरा सौदा 10 रुपए में किया। वैसे जिसने भी किया तेरे एक्स से तो अच्छा ही है, वो उसने तो तुझे 1 रुपए की बताया था। मैंने तुझे यहाँ मुझ पर हंसने के लिए नहीं बुलाया, एक बार वो कमीना इंसान मेरे हाथ लग जाए ना जिसने मेरी कीमत लगाई है, साले को 2 कौड़ी के भाव में ना बेचा ना तो मेरा नाम भी राधिका नहीं। राधिका प्रीति के साथ मिलकर कुछ दिन उस भिखारन पर नजर रखती है ताकि वो अपने सौदागर को पकड़ सके, लेकिन कोई ऐसा संदेहास्पद व्यक्ति उस भिखारन के पास नहीं आता। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं, राधिका भी इस बात को भूल जाती है। तभी एक शाम वो प्रीति के साथ एक रेस्टोरेंट में थी, तभी रेस्टोरेंट का मालिक उनके पास आकर बोलता है, सुनिए मैडम, अगर आपने खाना खा लिया हो तो जल्दी से काम पर लग जाइए, रसोई में बहुत बर्तन हो गए हैं। बर्तन हो गए से क्या मतलब है आपका, मेरा आपके रसोई के बर्तनों से क्या लेना देना। हमने आज हमारे रेस्टोरेंट के आगे बोर्ड लगाया था, बर्तन धोने के लिए वर्कर की जरूरत है। एक लड़का आया, उसने कहा कि वो एक वर्कर देगा, बदले में हमें उसको खाना देना होगा। उसने आपका सौदा करके हमारे यहाँ खाना खाया और अभी अभी गया है। क्या, मेरा सौदा, वो भी एक टाइम के खाने के लिए। सारा ये कौन सा बेहुदा इंसान है जिसने फिर से मेरा सौदा किया। सुनिए, आपने मुझसे पूछा सौदा करने से पहले, नहीं ना तो मैं क्यों दूं आपके ये झूठे बर्तन। देखिए वो लड़का पूरे 2000 का खाना खा कर गया है, या तो फिर बिल दीजिए उसका भी, वरना बर्तन धोइए। लड़ी बास्टर्ड, 2000 का खाना पेट था या कुआं। राधिका यार जा जाकर बर्तन ही धो दे, क्योंकि हमारे पास तो हमारे खाने का बिल देने के लिए भी पैसे नहीं है, क्योंकि मैं पर्स जो घर पर भूल आई। यू स्टूपिड। बेचारी राधिका शाम तक उस रेस्टोरेंट के सारे बर्तन मांजती है, और थकी हारी जब घर आती है तो उसको वहाँ एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है, कैसा लगा आज काम करके,
वैसे ये तो ट्रेलर था, इन छोटे छोटे सौदों के बाद एक बड़ा सौदा भी लगेगा। क्यों रास्कल, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरे हाथ लग जाओ तुम एक बार। एक तरफ राधिका परेशान होती है कि आखिर कौन उसके साथ ये सब कर रहा है, तो दूसरी तरफ अक्षत अपने दोस्त राघव के साथ ड्रिंक करते हुए बोलता है, अपनी एक्स से ऐसा बदला आज तक किसी ने नहीं लिया होगा। बेचारी 10 रुपए में भिखारन बन गई और एक टाइम के खाने के बदले फ्री में बर्तन धोने वाली। अब देखियो, मेरा आखिरी बार ऐसा होगा कि जिंदगी में दोबारा कभी भी मुझे देखकर मुझसे पंगा लेने की और बहस करने की सोचेगी ही नहीं। वैसे क्या करने वाला है अब तू? सुनेगा? चल सुन। अक्षत अपना प्लान राघव को बताकर अगली सुबह ही अपने प्लान को अंजाम देने निकलता है और एक कबाड़ी वाली औरत के पास जाकर राधिका की फोटो दिखाते हुए बोलता है, अरे आंटी, आपको कबाड़ा चाहिए होता है ना, मेरे पास आपके लिए एक मस्त सौदा है। ऐसा कबाड़ा है जो आपके काम आएगा। ये देखो, ये लड़की, मैं इसको कबाड़े में बेचता हूँ, आप खरीद लो और फिर इससे भी कबाड़ा बिकवाना। बोलो, मंजूर है सौदा? सौदा तो मैं कर लूंगी, लेकिन देख चिकने, मुझे वो लड़की नहीं तू चाहिए, क्योंकि मुझे तुझ में इंटरेस्ट है। बोल, करेगा खुद का सौदा? अरे आप ये क्या कह रही हैं? मैं जिसका सौदा कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए ना, ये लड़की आपके बहुत काम आएगी, घाटे का सौदा नहीं है। पर मुझे तो तू चाहिए, चल अपने दाम बता, कितने में बिकेगा तू, बताना चिकने। आप पागल हो, एक इंसान का दाम कैसे लगा सकती हो, मैं आपको बिकाऊ दिखता हूँ। अक्षत के इतना बोलते ही पीछे से राधिका की आवाज़ आती है, जो उसकी बात का जवाब देते हुए बोलती है, तो मैं तुम्हारे लिए बिकाऊ हूँ, जिसको तुमने 10 रुपए और एक टाइम के खाने के लिए बेचा था। राधिका को वहाँ देखकर अक्षत के होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त राघव भी वहाँ आता है, तभी राधिका अक्षत के हैरान चेहरे को देखकर बोलती है, हैरान क्यों हो रहे हो, अरे तुमने मुझे लेटर भेजा लेकिन ये भूल गए कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड रह चुकी हूँ, तुम्हारी हैंडराइटिंग और तुम्हें अच्छे से पहचान सकती हूँ। फिर क्या, मैंने बस जैसे ही मुझे पता चला कि इन सब के पीछे तुम हो, मैंने राघव को कॉल किया और तुम्हारा सौदा कर दिया। माफ कर दे यार, राधिका ने ऐसा कहा था, अगर मैं ऐसा नहीं करता वो मुझे जेल भेज देती। जाओगे तो अब तुम दोनों भी जेल, वो भी इस जुर्म में एक लड़की को सामान की तरह इस्तेमाल करने और बिना उसकी मर्जी से उसका सौदा करने के लिए। पुलिस का नाम सुनकर अक्षत डर जाता है और अब उसको अपना मजाक सीरियस होता दिखाई देता है, जिस पर वो राधिका के पैरों में गिरकर माफी मांगता हुआ बोलता है, प्लीज प्लीज हमें पुलिस के हवाले मत करो, मैंने बस तुम्हारे साथ मजाक किया था, मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं तुमको पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कुछ देर बाद वो कबाड़ी वाली अपना ठेला लेकर निकलती है, जिसके ऊपर अक्षत और राघव बैठे होते हैं और दोनों के गले में एक बोर्ड लटका होता है, जिस पर लिखा था, हम बिकाऊ हैं। सभी लोग उनको एक सामान की तरह देखकर हैरान होते हैं और उन पर बहुत हंसते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आखिर किसी को सामान की तरह ट्रीट करने पर वो इंसान भी आपको एक सामान ही समझेगा। निशा एक चुलबुली और खुले मिजाज की लड़की थी। उसकी शादी एक बहुत ही रईस घर में मिनेश नाम के लड़के से हो जाती है। उसके ससुराल में उसकी सास और एक छोटी ननद काजल थे। वैसे तो काजल एक मॉडल लड़की थी, लेकिन कुछ मामलों में उसकी सोच बहुत ज्यादा सिमटी हुई थी। इसी वजह से उसकी निशा से आए दिन नोकझोंक होती। ऐसे ही एक दिन सब साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और काजल बोलती है, माँ, भाभी ने ये कैसा खाना बनाया है, कोई स्वाद ही नहीं है, आप लोग कैसे खा रहे हो, मेरे से नहीं खाया जाएगा ये बेस्वाद खाना। वैसे स्वाद तो तब आएगा ना जब आप दाल के साथ रोटी खाएंगी, मैं कब से देख रही हूँ आप पानी में डुबा डुबा कर रोटी खा रही हैं, आपका सारा ध्यान तो फोन में लगा है, सही कहा ना मैंने? सही तो कह रही है बहू, खाना खाने के समय फोन को पीछे छोड़ दिया कर, तभी तो पता चलेगा तुझे कि तेरी भाभी के हाथ में क्या जादू है। मैं तो कहती हूँ कि तू भी खाना बनाना सीख ले अपनी भाभी से, ससुराल में जाने के बाद तुझे काम आएगा। बस माँ, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, अपनी बहू के गुण अपने तक ही रखो, और आइंदा मुझे इनसे कुछ सीखने को मत बोलना। कभी अपनी भाभी से नीम सा कड़वा बोलने की जगह
मिश्री के एक दाने जितना मीठा भी बोल लिया कर मेरी काजू। हाँ हाँ, अब मैंने कुछ बोल क्या दिया, सब चढ़ जाओ मेरे ऊपर राशन पानी लेकर, खाना खा लूँ मैं अब चैन से। हाँ हाँ दीदी खाओ ना, और वैसे भी जब तक आप मेरे खाने में कमी नहीं निकाल देती ना, बाय गॉड मजा नहीं आता। क्या ही कहूँ मैं, ये नंद भाभी की जोड़ी भी ना बिल्कुल निराली है। निर्मला के इतना कहने पर काजल वहाँ से चली जाती है और अगले दिन काजल को एक कॉल आता है जिसे रिसीव करने के बाद वो खुशी से नाचने लगती है और अपनी माँ को बुलाती है। माँ माँ सुनो इधर आओ जल्दी। अरे क्या हो गया, कौन सा खजाना हाथ में लग गया तेरे जो इतना चिल्ला रही है। माँ 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 मैं बहुत खुश हूँ, आपको पता है मुझे कंपनी में न्यू प्रोजेक्ट के लिए एज अ मॉडल सिलेक्ट कर लिया है। ओ माँ मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह दीदी, ये तो आपने भांगड़ा करने वाली न्यूज दी है, क्यों ना आज रात को हॉल में बुफर लगा के मस्त डांस करें हम। ओए बल्ले बल्ले। भाभी क्या हर बात में बच्चों जैसी हरकतें करने लगती हो, क्यों बार बार भूल जाती हो कि तुम इस घर की बहू हो और हर बहू के कुछ दायरे होते हैं। बेटा एक तो बहू तेरी खुशी को सेलिब्रेट करने की सोच रही है और तू इस पे हमेशा की तरह गुस्सा करती रहती है। ऐसे ही एक दिन काजल अपनी कुछ सहेलियों को न्यू प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में घर पर इनवाइट करती है। सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे होते हैं और तभी काजल की एक फ्रेंड बोलती है, अरे काजल ये तो बता कि तुझे इस न्यू प्रोजेक्ट के लिए एज अ मॉडल कैसे सिलेक्ट कर लिया, ऑडिशन में तो तुझसे भी सुंदर सुंदर लड़कियां आई थी, फिर तेरे जैसी लड़की का सिलेक्ट होना, बात कुछ हजम नहीं हो रही। तू कहना क्या चाहती है खुल के बोल, तेरी बातों के मतलब तो कुछ और ही निकल रहे हैं। तू अच्छे से जानती है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, पर कोई नहीं मैं खुद ही पूछ लेती हूँ, तो क्या कीमत चुकाई है तूने इस प्रोजेक्ट के लिए, कैश में पेमेंट की है या फिर। ये सब बातें निशा भी सुन रही होती है जिसके बाद वो अचानक से गुस्से में बोलती है, आप अपनी इस घटिया सोच को ना अपने घर छोड़कर आए तो ज्यादा अच्छा होगा, ये शरीफों का घर है, यहाँ रहने वाले सभी लोग अपने टैलेंट के दम पर जीते हैं। तू मेरी दोस्त होकर ये सब कैसे बोल सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मेरे बारे में इतनी बेकार राय रखती है। अब आपने फ्री के चाय पकौड़े ढूंस लिए हो ना, तो हमारे घर से बाहर निकल जाइए। इतना सब सुनकर काजल की फ्रेंड्स वहाँ से चली जाती है जिसके बाद काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी निशा उसके आंसू पोंछते हुए बोलती है, अरे दीदी आप ऐसे लोगों की बातों में आकर अपने आंसू वेस्ट क्यों कर रही है, अरे अगर अभी सारे आंसू बहा दोगी तो शादी में विदाई के टाइम आंसू उधार मांगने पड़ेंगे। भाभी इतनी जल्दी मैं आपकी जान नहीं छोड़ने वाली, देख लेना शादी के बाद भी मायके आकर आपका खून पीऊंगी। इतना कहकर वो निशा को जोर से गले लगा लेती है और बोलती है, भाभी आज तक मैंने आपसे कभी अच्छे से बात नहीं की, हमेशा आपको बस बेरुखी दिखाई, मैं सच में आपको अच्छे से पहचान ही नहीं पाई, सॉरी भाभी अब से मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगी। ओहो ये तो मेरा नुकसान हो गया। क्यों भाभी ऐसा क्यों, अब तो मैंने दिमाग वाली बात की है। अब आप मुझसे लड़ेंगी नहीं तो मेरा दिन कैसे कटेगा, मेरी लाइफ में एंटरटेनमेंट ही नहीं रहेगा। निशा की ये बात सुनकर काजल और वहाँ खड़ी निर्मला हंसने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। काजल के न्यू प्रोजेक्ट की शूटिंग का दिन अब करीब था जिसकी तैयारी में निशा भी उसकी मदद करती है। एक दिन निशा किचन में काम कर रही होती है और मिनेश हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है, तभी काजल मिनेश के पास आकर बोलती है, भाई आप भाभी को कहीं घुमाने क्यों नहीं लेकर जाते, सारा दिन भाभी बस घर का काम ही करती हैं। अरे तेरी तबीयत तो ठीक है, तेरे करेले जैसे मुंह से शहद जैसी वाणी कैसे निकल रही है। ये हम लेडीज का आपस का मामला है, सो जस्ट स्टे अवे। दोनों भाई बहन की खिटपिट सुनकर निर्मला भी वहाँ आ जाती है और बोलती है, अरे क्या हो गया। माँ सुनो ना, मेरी शूटिंग के दो दिन बाद भाभी का बर्थडे है तो मैं भाई से भाभी को कहीं बाहर ले जाने को कह रही थी। अच्छा तो ये बात है, बहू का जन्मदिन आ रहा है तो हमें उसे किसी अच्छी जगह पे सरप्राइज देना चाहिए, उसको अच्छा लगेगा। ऐसे ही दिन बीतते हैं और आखिर वो दिन आ जाता है जब काजल के न्यू प्रोजेक्ट की शूटिंग होने वाली थी। काजल रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी जिसके बाद वो शूटिंग के लिए निकल जाती है। शाम को जब वो घर वापस आती है
तो आते ही भाभी को बुलाती है। भाभी, ओ भाभी, जल्दी आओ। हाँ दीदी, कहो क्या बात है? आज तो आपकी आंखें बहुत खिली खिली नजर आ रही है। सब आपकी वजह से भाभी। आपको पता है आज शूटिंग में मेरी इतनी तारीफ हुई कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। आपने मुझे इतनी अच्छी तरह से तैयार किया था। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और निशा का बर्थडे आ जाता है। काजल और मिनेश मिलकर एक रेस्टोरेंट में निशा के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं। शाम को निर्मला निशा को लेकर वहाँ पहुँचती है। जैसे ही निशा अंदर जाती है, उस पर फूलों की बारिश होती है और वो चारों तरफ की डेकोरेशन को देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद सब एक साथ मिलकर उसे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे निशा। आप लोगों ने ये सब कब प्लान किया? कैसा लगा ये सरप्राइज भाभी, बताओ? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि मैं बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच। बहू, ये सब काजल का आइडिया था और उसने और मिनेश ने मिलकर ये सब किया। बस करो माँ, अब मैं इतनी भी खास नहीं। अब भाभी देख क्या रही हो, केक कट करो। निशा को काजल का ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद में निशा केक कट करके सबको केक खिलाती है, जिसके बाद में सभी रात का खाना खाते हैं और पार्टी इंजॉय करते हैं। और उस दिन के बाद से काजल कोई भी काम करती तो सबसे पहले निशा भाभी से पूछती, और इसी के साथ में निशा भी काजल का ध्यान अपनी बेटी की तरह रखने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।